This is Channels Television's Breaking News. नमस्कार दोस्तों, मैं शहनवाज आलम आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत ही फेमस और नामी ग्रामी कप्तान, जिसे हम कूल कप्तान के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं। दोस्त सब स्वागत किया जाए हमारे कप्तान का, कप्तान आरिफ कमाल का। थैंक यू जी आरिफ कमाल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका जो मैच है वो बहुत अच्छा रहा। पिछले मैच में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अपना प्रदर्शन से लोगों को दिल जीता आज। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि आगे की इनकी रणनीति स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, पिछला मैच बहुत अच्छा मैच रहा और हम लोग एक अच्छा टारगेट दिया मैच का और हम लोग कामयाब भी हुए। और नेक्स्ट मैच अभी होने वाला है, एक दो दिन में होगा नेक्स्ट मैच का। इंशाल्लाह पूरा कोशिश करेंगे हम लोग, हमारी टीम की एक कामयाब हो, कामयाबी की रास्ता। इतना अच्छा मैच आप खेलते हैं, अपने और अपनी पूरी टीम को आप मैच जिताते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दो शब्द हमारे और हमारे दर्शकों को? वो तो परफॉर्मेंस पर है, हमारी टीम एक अच्छी टीम है, एक ज़बरदस्त टीम है और ऑलराउंडर है हमारी टीम में, एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो ये खिलाड़ियों को लेकर हम खेलते हैं, अच्छा ये करते हैं। कोई एक प्लान स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे जो आप अपने टीम को बताते हैं मैच खेलने से पहले, जिससे वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके मैच को जीतने में? मेरी एक आदत है कि मैं जब खेल उतरता हूँ मैदान में तो मैं सबसे राय लेता हूँ, या वो सीनियर हो या जूनियर हो, सबसे राय लेता हूँ, सब को लेकर चलता हूँ, सबकी राय जानता हूँ कि क्या करना है, आगे किस तरह करना है। तो वो करने से एक टीम बनता है और टीम बन के हम कामयाब होते हैं। आप देखते भी हैं कि हम कितने मैच हम लोग जीते भी हैं, अगला मैच हम लोग खेलने जा रहे हैं तो अभी हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैच के लिए तो आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे। अच्छा, हम लोगों ने ये भी सुना है कि आप पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, जिस तरह से आपने अच्छा प्रदर्शन किया है क्रिकेट में, आपको क्या लगता है कि आप पॉलिटिक्स में भी इस तरह से अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगे, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, पॉलिटिक्स ये है, अभी मैं करियर पर ध्यान दे रहा हूँ, अभी मुझे बहुत क्रिकेट खेलना है, तो पॉलिटिक्स में ध्यान ना दूँ तो बराबर है। हाँ, ऐसे चर्चा है कि पॉलिटिक्स में आने का, तो देखिए वो भी देखा जाएगा, अगर पब्लिक चाहेगी, अगर दर्शक चाहेगी तो उसमें भी आजमाएंगे, लेकिन अभी कोई ख्याल नहीं है पॉलिटिक्स का। तो देखिए, आपने कुछ ऐसा सोचा है कि कोई एक पार्टी आप ज्वाइन करेंगे जिसके बारे में, और अगर आप पॉलिटिक्स में घुसते हैं तो आप देश के लिए क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, युवाओं के लिए आप क्या अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ कोई स्ट्रैटेजी अपने प्लान बनाई है? देखिए, अभी किसी पार्टी से अभी नहीं हूँ, अभी किसी पार्टी से अभी नहीं गया हूँ, अभी मुझे करियर पर ध्यान देना है और करियर ही सबसे बड़ा लक्ष्य है मेरा। अभी क्रिकेट है, क्रिकेट ही खेलूंगा जी। अभी पॉलिटिक्स में, अभी क्रिकेट में बहुत लंबा खेलना है मुझे जी। अब दुआ कीजिए आप भी कि लंबा खेलते रहे। पॉलिटिक्स में अगर पब्लिक चाहती है तो आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, आऊँगा जरूर आऊँगा जी। अच्छा मिस्टर आरिफ कप्तान साहब, आपसे एक लास्ट सवाल, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे फ्यूचर के लिए, और क्या आपका आने वाला जो है परफॉर्मेंस किस चीज़ में अच्छा दिखेगा, और क्या आप बेहतर करने के लिए कुछ आपने कुछ प्लानिंग की है तो कुछ बताना चाहेंगे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में? एक हमसे उम्मीद रखते हैं क्रिकेट जीतने का जी। तो मेरा जहाँ तक कोशिश रहता है, भरपूर कोशिश रहता है कि हम जी उनको उम्मीद पर कायम रहें जी, क्योंकि दर्शक एक उम्मीद लगा के मुझसे आते हैं कि मैं जीतने का, तो हम इस पर कामयाब हों, ये मेरी सोच रहती है, मेरी टीम की सोच रहती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह जरूर हम कामयाब होंगे, दर्शकों को उम्मीद रखना चाहिए और हमें भी उम्मीद रखना चाहिए कि हम मैच जीतेंगे। अच्छा, आरिफ कप्तान साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे आरिफ कप्तान साहब, जिन्होंने बहुत ही कूल माइंड के साथ